नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पाम ट्री जो है वो मुझे बहुत पसंद आता है। मेरे पास ढेर सारे वेराइटीज़ के हैं, लेकिन जब मैं नर्सरी गई थी तो मैं इसको ले आई। इसको वो लोग मजेस्टी पाम बोल रहे थे कि ये वॉल्वेट के जैसा, जब इसका नीचे वाला बड़ा होता है तो इस पर वॉल्वेट के जैसे रोएं आ जाते हैं। अब वो तो बड़ा होने पर पता चलेगा, लेकिन पाम की एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे एरिका है, वो आपका 40 साल तक जिंदा रह जाएगा। कुछ पाम जो है ट्री, वो आपका 100 साल से ऊपर तक जिंदा रह जाता है। और इस तरह से एक बार लगा लेने के बाद आप समझ ही सकते हो कि कितना एक दो जनरेशन देख लेता है। तो इसको ज़रूर लगाना चाहिए। साथ ही ये जो मेजेस्टी वाली पाम जो है, ये आपका एयर प्यूरीफायर है। ये कार्बन मोनोक्साइड, बेंजीन जो टॉक्सिक एजेंट है, उनको भी हमारे घर से रिमूव करता है, हटाता है। बेहतर ये होता है कि इसको इंडोर में रखें। अगर आपके बाथरूम में आप इसको जगह दे देते हैं तो ये और भी बेहतर रहेगा। इसको छाए वाली जगह में रखें, लेकिन ये इस तरह का है कि इसको आप बाहर भी लगा सकते हैं। बाहर लगाने में आपको इसमें केवल केयर यही करनी है कि आप इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखें, नहीं तो इसके पत्ते आप देख रहे होंगे कि नर्सरी में रहने पर इसके पत्ते कुछ खराब हो गए हैं। तो इसे आप छाए वाली धूप में रखें। इसको मैं जो लगाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने एक गमले चूज किए हैं अभी, जो आप देख ही रहे हो। ये जो तौलिए की मैंने बनाई थी गमला, उसी में मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे बाथरूम में जगह देनी है। अब सॉयल पर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ सॉयल जो आप देख रहे हैं, क्योंकि उसमें मुझे लगानी है, तो इसमें मैंने कोकोपीट की मात्रा अधिक कर दी है और सैंड जो है इसमें अधिक, यानी 60% इसमें कोकोपीट है। और इसमें 20% समझो कि इसमें मैंने रखी है सैंड, और 20% इसमें मैंने रखी है फर्टिलाइजर, और ये क्या बोलते हैं, खेत की सॉइल। खेत की सॉइल बहुत ही कम, हल्की फुल्की इसमें मैंने डाली है, क्योंकि मुझे गमले को भारी नहीं बनाने हैं। और बीच बीच में कितना भी इंडोर में रहे तो बीच बीच में आपको बाहर में निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इसको, सॉइल को इसमें भर लेती हूँ, साथ ही मैं इसको पॉलिथीन से निकाल लेती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। इसे मैंने निकाल ली है और इसमें सॉइल भी डाल दिए हैं। अब इसमें डालते हैं, लेकिन इसमें जो सॉइल लगी हुई है इनकी, चिकनी मिट्टी है, फिर भी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। दोस्तों, मैं इसलिए आपको से शेयर कर रही हूँ कि ये रूट बॉल को कभी भी आप डिस्टर्ब ना किया करें। ज्यों कहते हो लगा दे, वो बेहतर रहता है। रूट बॉल को डिस्टर्ब करने से ठीक नहीं रहता है। अब इसको बगल बगल से सॉइल भर देते हैं। दोस्तों, पाम को, इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, इसलिए अगर संभव हो तो किसी ट्रे में पानी रख कर, उसमें स्टोन वगैरह रख के आप उसको रख सकते हैं। दोस्तों, इसकी धूप की बात हो गई, अब पानी की बात कर लेते हैं। तो इसे पानी चाहिए, नमी इसको चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मत डालें, क्योंकि इसमें दोनों होगा आपका। अगर आप कम पानी डालोगे तो इसके पत्ते जो इतने खूबसूरत दिख रहे हैं ऐसे नहीं रहेंगे, पीले हो जाएंगे। और अगर अधिक पानी आप डाल देते हो तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसके पत्ते ब्राउन हो जाएंगे। ब्राउन देखकर आपको समझ में लग जाएगी कि ये जो है सो पानी अधिक मेरा इसमें मैंने डाल दी है। अब दोस्तों, बच गया इसमें खाद की बात करते हैं, तो ये जाड़े में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। वैसे ये वेराइटी जो इसकी है, ये बहुत धीरे स्लो ग्रो करने वाली वेराइटी है। वैसे भी पाम की ग्रोथ रुक जाती है जाड़े में, तो जाड़े में इसको कोई फर्टिलाइजर ना दें। इसको आप स्प्रिंग में स्लो रिलीज फर्टिलाइजर दें,
इसको मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आप इप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, साथ ही इसमें आप स्लो रिलीज फर्टिलाइजर दे सकते हैं, एनपीके दे सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ आपको देनी है वो आपको देनी है। इसमें थोड़े से पानी इस गमले में रखने में परेशानी हो रही है, तो ये आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसे इप्सम सॉल्ट दे देना बेहतर रहेगा। और साथ ही इसमें आप रिपोर्ट जब करें, गमले को बदलें, तो अभी जो आप गमला देख रहे हैं इससे बड़ा गमला इसका कर दिया करें, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और इसमें स्पाइडर माइट की परेशानी दिखाई देती है, तो उसमें आप गार्लिक और क्लोव ऑयल से इस पर स्प्रे करें मिलाकर, तो बहुत बेहतर रहता है। दोस्तों, मुझे आपसे एक बात करनी है कि आप अगर वीडियो देखते हो तो उसके बाद लाइक कर दिया करो प्लीज, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगी। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।